नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन सेवन में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन सेवन को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल लाइव नेशन सेवन में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC ने 67वीं PT की परीक्षा आयोजित की। 8 मई को ये परीक्षा हुई, मगर इस परीक्षा में बिहार में पहली बार BPSC का पेपर लीक हुआ, और ये इस तरह से लीक हुआ कि ये पूरे बिहार में हर एक मोबाइल पर नज़र आने लगा। और परीक्षा शुरू होने से पहले ही लगभग 11 बजे के आसपास मोबाइल और पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़रिए ये ग्रुप में घूमने लगा। और ये प्रश्न पत्र जिस तरह और जिस तेज़ी से घूमना शुरू हुआ, 11:30 बजते ये यूट्यूब पर भी सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आने लगा, और तब अधिकारियों ने इस पर एक्शन लेना शुरू किया। और इसी बीच परीक्षा 12 बजे से शुरू हो गई। 12 बजे से परीक्षा शुरू होने के बाद ये परीक्षा 2 बजे तक चली, मगर तब तक ये पूरी तरह से वायरल हो चुका था। और इस बीच में कई सोशल मीडिया, कई न्यूज़ चैनलों पर ये खबर चलने लगी कि BPSC का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारियों ने इसको लेकर जांच शुरू कर दी। और जब ये खबर काफ़ी व्यापक हो गई तो फिर BPSC ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठा दी, और उसके बाद इस जांच कमेटी को रिपोर्ट 24 घंटे में देनी थी, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद 3 घंटे के अंदर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये बात मान ली गई कि पेपर लीक हुआ है। सारे प्रश्न जो पेपर लीक हुआ था उसके साथ मैच किए गए और सब के सब सही पाए गए। और उसके बाद फिर BPSC ने 67वीं PT की जो परीक्षा पूरे बिहार में आयोजित हुई थी उसे कैंसिल कर दिया, मगर इसके कैंसिलेशन में करोड़ों रुपए का नुकसान आयोग को भरना पड़ेगा। और इसका कारण यह है कि ये जो पूरी परीक्षा आयोजित हुई, पहली बार ऐसा हुआ जब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने PT की परीक्षा BPSC के लिए आवेदन दिया था। 6,02,000 आवेदन आए थे और 1,080 यानी लगभग 1,100 के आसपास सेंटर पूरे बिहार में बनाए गए थे, मगर परीक्षा के पहले ही पेपर लीक होने के बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर बयान दे चुके हैं और उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही है। और इसी बीच अब जो सबसे बड़ी जो परेशानी, जो दुविधा अभ्यर्थियों के लिए है कि आखिर ये परीक्षा कब होगी, तो ये खबर जिस तरह से अखबार में छपी है उस हिसाब से ये खबर, ये अंदाज़ा लग रहा है कि 2 से 3 महीने का समय इसमें ज़रूर लगेगा। और इस खबर के मुताबिक जो हिंदुस्तान पेपर में छापा गया है उसमें परीक्षा के लिए छात्रों को कितना इंतज़ार करना होगा उसे लेकर लिखा गया है कि 5 लाख छात्रों को परीक्षा के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, परीक्षाओं में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। अभी पूरी प्रक्रिया जाँच होगी, जाँच के बाद ही आयोग आगे की परीक्षा के लिए तिथि जारी करेगा। जब तक जाँच नहीं होगी परीक्षा भी संभव नहीं है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल बनकर है कि आखिर ये परीक्षा कब आयोजित होगी। और अब देखना है कि ये 3 महीने का समय बताया जा रहा है, इस बीच में जांच की जाएगी। अब जांच में कितने लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं और कितनों पर कार्रवाई होती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन सेवन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।